है गाइस, सुन मैं नई ब्लॉग, तो स्वागत है गाइस हमारे एक और नई वीडियो में, जो कि आज हम लोग है अयोध्या में। और जो कि अयोध्या हम लोग आज सुबह उतरे हैं ट्रेन से, और अभी हम लोग जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने। तो सबसे पहले जाएंगे सरयू नदी, नहा धोवा के हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद जाएंगे राम जी का दर्शन करने रामलला के भव्य मंदिर में। तो हम लोग के पास VIP पास है, तो हम लोग पास जल्दी दर्शन हो जाएगा 15 मिनट में। अभी जो कि यहाँ बहुत भीड़ है, देख सकते हो, ये चौराहा है, मतलब राजकीय चौराहा है, श्री राम चिकित्सालय, वहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा होता है, अगर किसी को ख़राब है तो कोई टुक टुक लेता है तो चलता है। चलो गाइज, यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, मतलब देख के तो लग रहा है भाई कि लाख जैसा लोग पहुँचा है आज दर्शन करने के लिए। उस साइड लोग दर्शन करके आ रहे हैं लोग उस साइड से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। और जो कि हम लोग दोस्त लोग के साथ ही है, तो मिलते हैं एक बार सरयू घाट पे। का रास्ता यहाँ से है और अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे आगे जाना है, नहा धोवा के फिर हम लोग वापस इधर आएंगे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, भीड़ पूछो मत, गाइस बहुत है, 1 लाख+ भीड़ है। तो गाइस ये है राम की पेड़ी, आज हम लोग जस्ट यहीं पे नहाने वाले हैं, क्योंकि यही पानी सरयू घाट में मिला हुआ है। यहाँ का पानी का स्तर एकदम बराबर है, नहीं गए सरयू घाट में क्योंकि वहाँ पे कितना पानी हुआ कितना नहीं पता, लेकिन यहाँ पानी तो बराबर ही रहता है, ये पानी तो सेम मिलता है। तो हम लोग यहीं पे नहाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को लता मंगेशकर चौक दिखाएंगे, फिर उसका हनुमानगढ़ी, उसका श्री राम जी का दर्शन करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग राम की पेड़ी में एकदम मस्त से नहा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त लोग। तो गाइस अभी हम लोग राम की पेड़ी में नहा लिए, अभी जा रहे हैं मंदिर तक। ये लता मंगेशकर चौक, जो कि यहाँ से आप सरयू घाट जा सकते हैं, और पीछे जो है यहाँ से राम मंदिर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे राम मंदिर की ओर। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र में, और अभी सबसे पहले जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, पहले भीड़ देखते हैं कितना है, अगर ज़्यादा भीड़ होगा तो श्री राम जन्मभूमि के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के तीर्थ क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ का लुक जो है ना गाइस बहुत ही मनमोहक है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हम लोग का जो राम मंदिर का दर्शन VIP पास है, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक है। तो अभी तो फिलहाल 12:30 बजे हैं, कितने हनुमानगढ़ी जाके अगर भीड़ होगा तो लाइन में लग जाएंगे, अगर आखिर भी शाम को ही है हम लोग का VIP दर्शन, तो शाम का जो यहाँ का लुक होगा ना गाइस चौराहा का बहुत मस्त होगा। अभी हम लोग पहुँच गए हैं श्री हनुमानगढ़ी, और जो कि अंदर में जाना है थोड़ा और अंदर में, तो 22 जनवरी से पूरा बैरिकेडिंग लगाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब पूरा लाइन में लगा हुआ है, सोचो दिन का समय इतना भीड़ है तो सुबह का टाइम में कितना भीड़ होगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे लाइन लगेंगे, क्योंकि आगे बहुत भीड़ है और सबको बोला है कि लाइन लगने के लिए, तो प्रसादी उरसादी ले लेता पहले। गाइस अभी हमने हनुमान जी के लिए माला और प्रसादी ले लिया, अभी जा रहे हैं अंदर। तो गाइस देख सकते हो इतना ज़्यादा लाइन है, और अभी हम लोग बहुत पीछे खड़े हुए हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, सब लोग जा रहे हैं, अभी भीड़ लगा है, खत्म हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया हनुमान जी का, और प्रसादी भी मिल गया है। फाइनली गाइस हम लोग का हनुमान जी का दर्शन हो गया है, अब हम लोग चलते हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 5 बजे हम लोग का VIP दर्शन है, तो 5 बजे चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। अभी हम लोग यहाँ बाहर हो चुके हैं, अभी अंदर रुकेंगे। ऐसे अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर देख सकते हो भीड़ तो बहुत है, शाम के 5 बजे भी भीड़ बहुत है। तो गाइस हम लोग का जो पास है वो बना है 5 बजे का शाम का, तो 5 बजे पार हो चुका है, और भीड़ अभी भी गाइस बहुत ज़्यादा है, मतलब अप्रोक्स हम बोला ना सुबह में 1 लाख+ ही है, तो 1 लाख सुबह से 50,000 लोग दर्शन करके गए। तो अभी हम लोग यहाँ बैरिकेड में घुस चुके हैं, अब देखते हैं आगे कब तक मोबाइल चेकिंग होता है। ये लिखा है मंदिर जाने का मार्ग, मतलब उस तरफ से हम लोग को मंदिर जाना है। तो गाइस ये जो ब्लू वाला बना है इसके अंदर हम लोग को जूता चप्पल रखना पड़ेगा, अभी जूता चप्पल रखते हैं, फिर मोबाइल शायद वहाँ जमा करना पड़ेगा, देखो वो जो बना हुआ है अंदर में वहाँ पे शायद मोबाइल जमा करना पड़ेगा। अभी हम लोग जूता चप्पल जमा करना है, ये भी ले कर लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रिक जितना भी सामान है सब वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो गाइस मोबाइल तो यहाँ तक ला दिए, लेकिन अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर में हम लोग का भव्य दर्शन हो गया, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तब कभी दिन और देखेंगे आप लोगों को। तो गाइस अंदर ले जाने मोबाइल नहीं दिया, क्योंकि मैंने गार्ड से भी बोला कि ले जाने दीजिए प्लीज़, बोलता करा सिक्योरिटी है, इसलिए अंदर ले जाने मोबाइल नहीं दिया। तो गाइस अब सब लोग इस तरफ से जा रहे हैं, मतलब यहाँ से जूता लेके पीछे से यहाँ से लेकर राइट घूम जाएंगे। तो उस लोग ने भी किया राम जी का दर्शन, बताओ यार कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन हुआ, मोबाइल ले जाने नहीं दिया, यही बस दुखी है, बताओ यार दर्शन करके कैसा लगा? अच्छा
अच्छा लगा बहुत। मौका मिलेगा तो फिर दोबारा बुलाया जाए, बस और कुछ नहीं। तो गाइस आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, मोबाइल ले जाने नहीं देगा। तो आप लोग को बहुत इजी रास्ता है, आप लोग आओगे तो यहाँ समझ जाओगे। दर्शन करके मजा लगा, आप चलते हैं रूम में।